हेलो फ्रेंड्स दिस इज बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक दो प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और हमने उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन जीन पढ़ा था दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लस हमने उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहले तो पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट बैक क्रॉस क्रॉस। एंड टेस्ट सो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था इट वॉज डिड्यूस्ड बाय मेंडल फ्रॉम द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन जीन दैट इज इट वॉज डिड्यूस्ड बाय मेंडल फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या बोला गया इस प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में it states that the two contrasting factors the two contrasting factors <clears throat> remain together remain together in the इब्रिड हाइब्रिड प्लांट में जो दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं वो टुगेदर रहेंगे साथ रहेंगे विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड बट वेन एवर दे गेट अ चांस वेन एवर दे गेट अ चांस एक साथ रहेंगे वो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स लेकिन अगर उनको चांस मिल गया सेपरेट होने का उनको कब चांस मिलेगा सेपरेट होने का गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान सो वेन एवर दे गेट अ चांस bracket they will get that chance during gamete formation whenever they get a chance they get separated into pure forms they get separated into pure forms ये रहा इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो लेट लेटेस्ट कंसिडर हाइब्रिड प्लांट इस हाइब्रिड प्लांट का हम जीनो टाइप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी सो इट इज एन एफ वन हाइब्रिड कैपिटल टी डेजिग्नेट्स द ट्रेट ऑफ टॉलनेस वैल एसॉलिटी डिजिग्नेट ट्रेट ऑफ टॉर्फनेस तो ये हाइब्रिड प्लांट टॉल प्लांट ही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिपल ऑफ से एक साथ रहेंगे विदाउट एनी कंटेमिनेशन लेकिन जब ये हाइब्रिड प्लांट गैमिट बनाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस two factors segregate they separate like capital t and small t one of the two factors will enter into 50% of the gametes and another factor that is small t will enter into another 50% of gametes so jo gametes banenge gametes hamesha pure rahenge pure matlab inke paas hamesha ek hi factor out of the two factors rahega. so this law विच स्टेट्स कि जो फैक्टर्स हैं हाइब्रिड प्लांट में वो गैमिट बनने के टाइम पे सेपरेट होंगे एंड दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली दिस लॉ स्टेट्स दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ सैग्रीगेशन और द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इस लॉ के पढ़ने के बाद इस लॉ को समझने के बाद लेट अस गो फॉर बैक क्रॉस what is a back cross क्या है बैक क्रॉस जब एक एफन हाइब्रिड एफन हाइब्रिड प्लांट को क्रॉस किया जाए विद एनी ऑफ द टू पेरेंट्स या तो रेसेसिव पेरेंट के साथ उसको क्रॉस करेंगे या तो डोमिनेंट पैरेंट के साथ देन द क्रॉस इज नोन एज अ बैक क्रॉस वी विल राइट हियर द क्रॉस बिटवीन An F one hybrid, an F one hybrid, and any of the two parents, any of the two parents that is either dominant or a recessive parent. either dominant or a recessive parent. The cross is known as a back cross. For example, hamek F1 hybrid plant. Say this F1 hybrid plant is tall plant. Man tall pea plant.

पेरेंटल गैमिट के साथ कंबाइन हो गया द रिजल्ट विल बी कैपिटलिटी कैपिटलिटी और अगर स्मॉल टी वाला फैक्टर हाइब्रिड प्लांट का पेरेंटल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया द रिजल्ट विल बी कैपिटलिटी स्मॉल मतलब यहां पर इस क्रॉस में <coughs> रिसेसिव कैरेक्टर आने का कोई चांस नहीं इट इज डॉमिनेंट इट इज ऑल्सो डॉमिनेंट बस फर्क सिर्फ इतना है इट इज Uh, homozygous dominant and it is heterozygous dominant. We can say 50% homozygous dominant. Homozygous dominant, bole toh, homozygous tall and 50% heterozygous tall plants are produced here. So it is a back cross. Yeah, par ek F1 plant, ko, F1 hybrid. Ko, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया ये बैक क्रॉस है लेकिन ऐसा वाला बैक क्रॉस जिसमें एफ हाइब्रिड प्लांट को रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया जाए ऐसे क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं सो लेट मी राइट हेयर टेस्ट क्रॉस सो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन टेस्ट क्रॉस व्हाट इज हाइब्रिड Is crossed with F1 hybrid is crossed with the recessive parent. Yeah, the parent with the recessive character. With the recessive character. <clears throat> Again, hum. प्लांट हाइट वाला ही एग्जांपल देंगे तो मान लीजिए ये हमारा F1 हाइब्रिड प्लांट है जब इस F1 हाइब्रिड प्लांट को रिसेसिव पेरेंट के साथ दैट इज ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो ड्वार्फ प्लांट्स विल प्रोड्यूस गैमेट्स कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टी वाइल एज जो हमारा F1 हाइब्रिड प्लांट है इट विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स 50% gametes will be consisting of capital T or

Are having the dominant character but in a heterozygous condition, while as 50% plants are having the recessive character, right? So, Mendel is test cross. Ko use He used this test cross to know whether. An individual is homozygous or heterozygous, whether a plant is homozygous Or heterozygous for a particular character, which character for a dominant character ye. कि मेंडल के पास अगर कोई इंडिविजुअल प्लांट है और उसको मालूम करना है कि ये इंडिविजुअल प्लांट में होमोजाइगस कंडीशन है या हाइड्रोजाइगस हाँ मेंडल के पास या हमारे पास अगर कोई प्लांट है उस प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड वी वांट टू नो वेदर दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ होमोजाइगस कंडीशन और हाइड्रोजाइगस कंडीशन उस वक्त हम इस डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को

अगर हम हमको हमारे पास एक प्लांट है चलिए एक प्लांट है हमारे पास वी वॉन्ट टू नो द जीनो टाइप ऑफ दिस प्लांट लेकिन इस प्लांट का कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है दिस इज हैविंग प्लांट हैविंग डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट है ये टॉलनेस इज द डॉमिनेट कैरेक्टर हमको पता नहीं कि यह टॉलनेस होमोजागस की वजह से है या हाइड्रोजीशन की वजह से वील प्लांट विद प्लांट मतलब इसका हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव प्लांट के साथ रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ ठीक है आप देखिए

तो रिजल्ट में हमको क्या मिला 50% टॉल हाँ ये हेटेरोजाइगस वाले होंगे एंड 50% टॉल लेकिन अगर इस f1 हाइब्रिड या अगर इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी होता जैसा कि हमने दूसरे केस में बताया तब तो 100% प्लांट्स टॉल ही होते तो so, मेंडल ने इस टेस्ट क्रॉस को यूज किया था किस लिए इन ऑर्डर टू नो द जीनोटाइप ऑफ द individuals having a dominant character so it was all about test cross back cross and principle of segregation aage apne aane wale video tutorials dihybrid crosses dihybrid crosses are the crosses in which the inheritance pattern of two characters was studied at a time Or uske baad hum kuch aur cheeze padhenge kuch aur, uh, crosses padhenge which will designate डिवियशन फ्रॉम द में एक्सेप्शन टू द मेंियन लॉस तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर